हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने किए एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड हम इस सेशन में करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? हमको पता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पॉलिटिकल कल्चर है, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। अगर जी प्रोसेस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहलाती है, इससे हमको नॉलेज मिलती है, तो इसकी आज के टाइम में क्या प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है? तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की पॉलिटिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज इट ब्रिंग्स इनलाइटमेंट अमंग द पीपल। इट मीन्स क्या है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस है जी लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराती है, उनको इनलाइट करती है, क्योंकि हम ये कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नॉलेज इम्पार्टेड होती है। इस सब में क्या होती है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है, पॉलिटिकल कल्चर होता है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके क्या नॉर्म्स हैं, ये सब कुछ तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। इट मीन्स इसमें क्या है, नॉलेज है। तो जब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है इससे क्या होता है, लोगों को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का पता चलता है ऑफ द पीरियड कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। आज के टाइम में अगर हम आज के पॉलिटिकल इवेंट्स को स्टडी करते हैं, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे। पास्ट के साथ कंपेयर करना क्या कहलाता है, उसको एनालिटिकल कहलाता है। इट मीन्स क्या है, हमारी नॉलेज को वाइड कर रहा है, हमको पता चल रहा है जे प्रॉब्लम पास्ट में भी आई थी आज भी है, जैसे पास्ट में क्या प्रॉब्लम थे आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम्स है, तो लोगों को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम टाइम टू टाइम आती रही है, कभी एक पार्टी की डोमिनेंस आई, कभी उसकी सरकार गिर गई, कभी कोलिजन की गवर्नमेंट आती है, कभी 91 का क्राइसिस आता है जिसमें पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दे, जिस सब कुछ चलता जाता है, तो हमको वो प्रॉब्लम्स का पता चलता है। हम ये कहते हैं जो लोग हैं वो वेरियस वैल्यूज एंड व्यू पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं। जब हम पॉलिटिकल वैल्यूज को, बिलीव्स को एनालाइज करेंगे तो हमारी नॉलेज और भी ज्यादा इंक्रीज करेगी, जिससे हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो फर्स्ट वन इज इट ब्रिंग्स इनलाइटमेंट अमंग द पीपल, एंड नंबर टू इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें जी क्या करते हैं, एफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, एफिशिएंसी लेकर आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी नॉलेज होती है, हम वेरियस व्यू पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, हम अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, लोग नॉलेज को गेट करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम है जी कैसे वर्क करता है। अगर हम किसी की वर्किंग को समझ पाएंगे तो हम उसके प्रॉब्लम्स को भी समझ पाएंगे। इससे क्या होता है, हम एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो हम क्या बन जाते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स का एक्टिव पार्ट बन जाते हैं, जिससे हम पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे समझ पाते हैं, हमको पता है कि इसको कैसे काम करना चाहिए, तो इससे क्या आती है, एफिशिएंसी आती है, हम क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे हमारे पॉलिटिकल इवेंट्स है वो स्मूथ होते हैं और पॉलिटिकल वर्किंग है वो भी अच्छे से होती है, लॉ भी अच्छे से बनाए जाते हैं, तो इससे क्या होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नंबर थर्ड इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है जो पॉलिटिकल सिस्टम को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराता है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट लीगल फॉर्मल इनफॉर्मल सभी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड है जो हमको अफेक्ट कर रही है, तो हम ये कहते हैं जितने भी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं वो सभी किस में आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं, इवन के प्रेशर ग्रुप्स हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो भी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम को लेजिटिमेसी मीन्स जो रूल के थ्रू रेगुलेशन के थ्रू चल रहा है वो कैसे चल रहा है, हम
पॉलिटिकल सिस्टम की बातों को क्यों मान रहे हैं? तो पॉलिटिकल सिस्टम की स्मूथ वर्किंग के लिए इसके पास एक पावर है जो पावर को यूज कर रहा है। तो हम जे कहते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी लिस्टी में से पावर है, लिस्टी में पावर को यूज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जे लिस्टी में से प्रोवाइड कराता है क्योंकि हमको पता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके पास कौन सी पावर है। अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स हैं, लॉ हैं, इनको नहीं मानेंगे तो वो हमको पुनिश कर सकते हैं। इससे क्या होती है, स्मूथ वर्किंग होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी टू द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इट इवॉल्व्स द यूनिमिटी अबाउट पॉलिटिकल वैल्यूज। ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज के रिगार्डिंग एक व्यू रखता है, लोगों को लॉयल बनाते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम। इट इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ पीपल, जिस वजह से वो पॉलिटिकल सिस्टम के रूल्स हैं, लॉ हैं, उनको मानते हैं। नंबर फोर, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर कैसे बनता है, जो भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है इस प्रोसेस से तो ही पॉलिटिकल कल्चर बनना है। हमारा पॉलिटिकल कल्चर, हमारे वैल्यूज, हमारे बिलीफ कहाँ से आए हैं, कुछ वैल्यू बिलीव हमने अपनी फैमिली से गेट किए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जो कुछ हमें समझाते हैं हम उसी को अपना कल्चर वैल्यू बना लेते हैं। उसके बाद हम सोसाइटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो हमको इसी प्रोसेस से तो मिलता है। इट मीन्स क्या है, जो हमारे बड़े हैं हमको नॉलेज दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो हम गेट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की वजह से ही पॉलिटिकल कल्चर है वो फॉर्म होता है। सो हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल वैल्यूज, बिलीव्स, व्यू पॉइंट्स आर फॉर्मुलेटेड एंड दे आर आल्सो ट्रांसमिटेड टू कमिंग जनरेशन, एंड ये पॉलिटिकल कल्चर को आगे क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कमिंग जनरेशन को, जिससे जे कल्चर मेंटेन भी रहता है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल मैटर्स। जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं इनके रिगार्डिंग नॉलेज कौन देता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन देती है, क्योंकि हम कहते हैं जो पॉलिटिक्स है इट इज क्लोजली लिंक्ड विद एन इंडिविजुअल। अगर स्टेट लेवल पर कोई डिसीजन होगा क्या हमको इम्पैक्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेकर आई है, गवर्नमेंट ने कुछ नई नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, क्या हमको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। टैक्सेशन सिस्टम को चेंज किया है, गवर्नमेंट ने नए टैक्स इम्पोज किए हैं, तो क्या वो हमको इम्पैक्ट नहीं करते, ऑब्वियसली करते हैं। तो हम ये कहते हैं पॉलिटिक्स है वो क्लोजली इंडिविजुअल के साथ लिंक होती है, इसीलिए हम ये कहते हैं जब हमारे साथ लिंक होगी तो हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम है, उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमको पता है उस पर टैक्स रेट इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, हमको पता चलता है ये प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं। तो ये लोगों को क्या देती हैं, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज रिगार्डिंग पॉलिटिकल मैटर्स, क्या प्रॉब्लम्स है इसका क्या सोल्यूशन होगा, एंड इससे क्या करते हैं लोगों को हेल्प मिलती है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल की हो चाहे सोसाइटी लेवल की हो। अगर मैंने कोई डिसीजन लेना है, अगर मैंने अपने बिजनेस की भी बात करनी है तो इसके रिगार्डिंग भी मैं क्या करूँगी, गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल नॉलेज है, गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, पहले इनको एनालाइज करूंगी, उसके बाद ही डिसीजन लूंगी कि मुझको कौन से बिजनेस में एंटर होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट का हर एक डिसीजन मुझे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, मेरी हर एक्टिविटी में ये कंसर्न रहता है। अगर हम फैमिली फंक्शन की भी बात करते हैं उसमें भी पॉलिटिकल डिसीजन है, गवर्नमेंट कंडीशन लगा रही है कि एक फंक्शन में इतने पर्सन हो सकते हैं, वो भी क्या है हमारे इंडिविजुअल की सोशल वैल्यू की सोशल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। इसी तरह हम कहते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती है। सो इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल मैटर्स। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल कल्चर। हमारा पॉलिटिकल कल्चर है ये फॉर्म भी कैसे होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से, और पॉलिटिकल कल्चर को मेंटेन करना जी भी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर अगर फॉर्म हो गया लेकिन आगे हम उसको मेंटेन ना कर पाए तो पॉलिटिकल कल्चर खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको एलिमिनेशन से बचाने के लिए
सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने रस्म रिवाजों की बात करते हैं, कस्टम की, ट्रेडिशन की, जो हमारे हेरिडेटरी है, वो हम तक कैसे पहुंचे हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पहुंचे हैं। उसी तरह अगर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं होगी तो पॉलिटिकल कल्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जिसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इट मेंटेन आवर पास्ट एंड प्रेजेंट पॉलिटिकल कल्चर। हम पास्ट कल्चर की बात करते हैं, हम पास्ट की एग्जांपल्स देते हैं, हम कहते हैं जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब जे हुआ था, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब था। वो पॉलिटिकल कल्चर हमारे पास कैसे आता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। एंड जो प्रेजेंट में पॉलिटिकल कल्चर चल रहा है, हम अपने बच्चों को एग्जांपल देते हैं, वो बच्चे आगे से आगे पास ऑन करते जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की प्रोसेस चलती जाती है, जिससे हमारा पॉलिटिकल कल्चर है पास्ट का भी प्रेजेंट का भी जे मेंटेन रहता है। एंड जो जे वैल्यूज हैं, कल्चर है, जे ट्रांसफर होती जाती है टू कमिंग जनरेशन, जिससे हमारा कल्चर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। जे क्या करता है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम इन दोनों में लिंक प्रोवाइड कराता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक सोशल एनिमल हूं, इसके साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल एनिमल भी हूं। इट मींस क्या है, हम दोनों की लाइफ एक ही पर्सन है, चाहे मेरी सोशल लाइफ है चाहे मेरी पॉलिटिकल लाइफ है, दोनों में आपस में बहुत लिंक है। जे दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो जे दोनों क्या कर रहे हैं, मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो हम जे कहते हैं इट प्रिपेयर्स द पीपल टू प्ले पॉलिटिकल रोल। हमको पता है मैं अपनी सोशल लाइफ को इंजॉय करते करते मुझे पॉलिटिकल रोल को भी प्ले करना है, इसके लिए जे मुझको प्रिपेयर कर रहे हैं। इट इज एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। क्योंकि हम जब भी कोई प्रॉब्लम में होते हैं अपने पुरानी पास्ट की एग्जांपल को याद करते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होते हैं। एंड लास्ट वन इज इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है, हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम को लेजिटिमेट पॉलिटिकल सिस्टम कौन बना रहा है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अगर हमारा लेजिटिमेट पॉलिटिकल सिस्टम होगा तभी तो हमारा सिस्टम क्या करता है, इट इंजॉय द रिस्पेक्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। क्योंकि लोगों को पता है हम सिस्टम के अंगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर मुझे टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना क्या मुझे खुशी है, इट इज माई सैक्रीफाइस। मैं टैक्स नहीं पे करना चाहती लेकिन फिर भी टैक्स पे कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं टैक्स नहीं पे करूंगी तो मुझको पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम को लेजिटिमेट बना देता है एंड लोग भी सिस्टम की बातों को मानते हैं। सो वी सेड इट प्रोवाइड्स अ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल सिस्टम। सो लोग क्या करते हैं, पीपल ऑबेस द लॉ ऑफ द सिस्टम। हम लोग को मानते हैं, जो हमारा लॉ कहता है, हमारा सिस्टम कहता है, हम उन सब बातों को मानते हैं। तो इससे क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो विद दिस इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।